स्वच्छ मिशन की उड़ाई जा रही है धज्जियां। मामला जनपद श्रावस्ती के जमनाहा तहसील के अंतर्गत मजरा हरिहरपुर मौजा डाणे कुइयां के कुछ ग्रामीणों ने प्रधान के ऊपर यह आरोप लगाते हुए कहा कि गांव में नाली निर्माण न होने से सड़कों पर जल भराव की स्थिति बरकरार है, जिससे ग्रामीणों को आने जाने में काफी दिक्कत होती है। ये सब सारी बातों को लेकर ग्रामीणों ने जब प्रधान जी से बातचीत की तो प्रधान ने अनसुना मानकर छोड़ दिया। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये ग्रामीण अपनी मुसीबत लेकर जाए तो किसके पास, जब उनका प्रतिनिधि उनका ख्याल नहीं रख सकता तो सरकार क्या रखेगी। इस पर प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे संवाददाता श्रावस्ती से भुजो खान की रिपोर्ट। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ प्रधान ना नाली साफ करवाता है और ना नाली सफाई करने को ही आता है। यहाँ के ग्रामीणों बहुत परेशान है, उनके चलते बयान लेता हूँ। क्या नाम साबिर भाई, क्या कहना चाहते हैं आप ये नाली के बारे में? नाली भैया पानी बहुत तकलीफ तो उनका बंद हो रही है। आप प्रधान को सूचना दिए? प्रधान का तो दिए ना सूचना। तो प्रधान क्या कहे? प्रधान का क्या नाम है? डाले कुइयां के हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सिकंदर है। क्या कहना चाहते हैं सिकंदर भाई? मैं ये है कि मेरे घर के सामने जो तालाब भरा हुआ है उसको बंद किया जाए। मैं प्रधान से बात किया था जी। प्रधान बोले कि मैं बोल दिया हूँ जिसका जिसका पानी जा रहा है कि नाली में गिराएगा जी। तो प्रधान बोले जब तक नाली नहीं बन जाएगा जब तक पानी को रोड पे फेंकना नहीं। फिर भी मेरे घर के सामने तालाब भरा रहता है, मेरे बच्चे लोग इसलिए आके अभी पनिया कहाँ काटे हो बताओ ना। जनता नहीं मान रही है, जनता नहीं मान रही है। मेरे बच्चा अभी सुबह गिर गया था, इसलिए मैंने लेके गया उसको। उसका अगर हाथ गोल टूट जाता फिर कौन देता पैसा उसका? अभी लॉकडाउन है, मेरे घर के सामने पूरा तालाब भरा हुआ है, यहाँ से पूरा देख लीजिए। कोई सुबहता नहीं है, वो पानी देखो इधर से मैं उधर गिराया था, बर्फानी पानी। अच्छा, पानी जब आपके यहाँ भरता है तो पानी भरने के बाद फिर आप क्या करते हैं? पानी क्या सब यही फिर पानी जमा रहता, किधर पानी जा नहीं पाता। फिर काटते हैं कहीं? कहाँ काटेंगे, पानी तो जाता है खेत के अंदर, हम लोग काट देते हैं पानी। बोलो ना, नर्दाना आपने प्रधान को दिया तो प्रधान ने कहा पानी बंद कर दीजिए। पानी बंद कर दीजिए बोले प्रधान, क्या बोले कि मैंने बोल दिया हूँ जिसका जिसका पानी गिर रहा है वो अपने हाथ में गिराएगा। अच्छा, लेकिन उसको कोई बात नहीं माना। मतलब उसके कहने के बाद भी ग्रामीण नहीं मानते? नहीं मान रहे, जबरदस्ती गिरा रहे। पूरा पानी सब आके मेरे सामने भर जाता है, आने जाने का पूरा रोड पे पानी रहता है। क्या कहना चाहते हैं रमजान भाई? अरे क्या कहना चाहते हैं, पूरा आधा गांव से पूरा नाली बंद हो गई है, पूरा चाले में उधर उधर रहना पड़ता है, तकलीफ, खाना पानी और तो तकलीफ। आपने प्रधान से बात किया था? ग्राम प्रधान ने क्या कहा? प्रधान यही बोला था कि मैं 10-20 दिन में नाली चालू कर दूंगा, तो चालू भी नहीं करने आज 3 महीना हो गया। चार देखने आए प्रधान जी? आए नहीं, दोबारा देखने दोबारा नहीं आए। कोई बूढ़े या मरे उसकी जिम्मेदारी नहीं है? हाँ, कोई भी मरो कोई भी आएगा ही नहीं, प्रधान आते ही नहीं। क्या कहना चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हम लोगों का मेन रास्ता यही है, हमारे हमारा खेत तो रहा और ये बराबर पानी चहला कीचड़ भरा हुआ है, तो हमको बहुत परेशानी हो रही है और इस परेशानी से किसी प्रकार से निजात भी नहीं है। ये आपने प्रधान से कहा तो प्रधान ग्राम ने क्या कहा? प्रधान ने कहा था कि हम 10-15 दिनों में नाली की व्यवस्था कर देंगे, बनवा देंगे, लेकिन 3-4 महीना हो गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं किया। लौटकर प्रधान यहाँ देखने आए? कोई कुछ नहीं देखने आया, देखने नहीं आया। कोई अधिकारी भी नहीं आता है? कोई नहीं आता है, कई बार उसने यहाँ तक वो यहाँ 100 नंबर भी आया।